हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सामेत क्लासेस। आज आप जिस वीडियो को देखने जा रहे हैं वो फोर्थ वीडियो है क्लास नाइन्थ के फर्स्ट चैप्टर का, दैट इज़ नंबर सिस्टम। इस वीडियो में हम लोग फ्रैक्शंस के नेचर्स को ऑब्जर्व करेंगे और उसके बेसिस पर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नेचर्स को समझने का कोशिश करेंगे। आई एम टेकिंग थ्री एग्जाम्पल्स एंड दीज एग्जाम्पल्स आर एज फॉलो फ्रॉम द एनसीईआरटी इटसेल्फ। मान लीजिए मेरे पास एक फ्रैक्शंस है, लेट द फ्रैक्शन बी, फ्रैक्शन बी 10/3। तो अगर 10/3 को डिवाइड कीजिएगा तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 3.3333 एंड सो ऑन। तो आप क्या देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद जो नंबर आ रहा है वो अपने आप को रिपीट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, आप 10/3 को ऐसे लिख सकते हैं 3.3 रेकरिंग, या फिर लिख सकते हैं 3.3 डॉट। ये जो ऊपर आ रहा है बार या फिर डॉट, ये बतला रहा है कि ये नंबर अपने आप को रिपीट करेगा। तो दैट काइंड ऑफ नंबर इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। क्या बोलते हैं इसको, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर क्या है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है, इसलिए क्या कहलाता है, रैशनल कहलाता है। सो दिस इज रैशनल नंबर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज वी हैव सेकेंड एग्जाम्पल्स, दैट एग्जाम्पल इज व्हाट, 7/8। तो 7/8 को अगर आप डिवाइड कीजिएगा सो व्हाट इट विल गिव, 0.875। चेक करके देखते हैं हम लोग, 7 को डिवाइड कर रहे हैं किससे, 8 से, डेसिमल पुट किए 0, 8 टाइम्स में 64, देन 6 इज रिमेनिंग 0, 56 एंड देन अगेन 4, 0, 8 5 40। तो आपको क्या मिल रहा है, टर्मिनेटिंग नंबर। कैसा नंबर मिल रहा है, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन खत्म हो रहा है, तो ये है टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर। तो टर्मिनेटिंग नंबर भी रैशनल नंबर है क्योंकि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल्स लिया जाएगा तो दिस इज ऑल्सो रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वॉट, 1/7। अगर 1/7 को आप डिवाइड कीजिएगा, 1 को 7 से डिवाइड कीजिएगा, यू विल गेट 0.142857, अगेन 142857, और ये इसी तरह से आता रहेगा। तो एक खास सेक्शन ऑफ नंबर्स अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.142857 ये बार, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 0.142857 और फिर यहाँ डॉट और यहाँ डॉट लगा सकते हैं। तो इसका भी नेचर कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर रैशनल नंबर होता है। एक खास तरह का नंबर है जो ना तो टर्मिनेट करता है ना तो रिपीट करता है, तो ऐसा नंबर क्या है, मान लीजिए √2। पाइथागोरस शायद वो पहले इंसान थे जिन्होंने ऐसे नंबर्स को पहचाना, जिसको आप बाद में इरेशनल नंबर के नाम से जानेंगे। थियोडोरस ऑफ साइरीन और हिपाकस ऑफ क्रोटोन, इसके लिए बहुत पॉपुलर है ये, हम लोग जानते हैं कि √2 इरेशनल नंबर है। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन अगर आप लिखते हैं तो 1.414215213 5 6 एंड सो ऑन। आप देख रहे हैं क्या कि कोई भी नंबर अपने आप को, या खास सेक्शन ऑफ नंबर अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, नॉन रिपीटिंग नंबर। ऐसे नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं, दिस टाइप ऑफ नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। एक और नंबर है जो बरसों से सभी सभ्यताओं को, एंशिएंट सिविलाइजेशन को पता था कि ये इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इस तरह से आता जाता है। सो दिस इज ऑल्सो व्हाट, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। पहली बार इस बात को प्रूव करने वाले जो दो मैथमेटिशियन हैं इंग्लैंड के, लैम्बर्ट और लीजेंड्री, इस बात को प्रूव किया कि ये इरेशनल नंबर है, और मैथमेटिकली दे हैव गिवन द प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी ऑफ पाई। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस क्लास,
हम लोग ऐसे नंबर्स को, एक खास प्रकार के नंबर को जो क्या कहलाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहलाते हैं, को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं. सो वी विल गेट द क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ दिस एंड वी हैव टू ब्रिंग दिस नंबर. तो हम लोग कन्वर्जन सीखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का. तो आज का वीडियो लेक्चर इसी पर कंसंट्रेटेड है. तो लेट अस डू सम क्वेश्चंस व्हिच इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, एंड वी विल लर्न द मैथड टू कन्वर्ट इन टू पी बाई क्यू फॉर्म. लेट अस टेक सम एग्जाम्पल्स. तो मेरे पास पहला एग्जाम्पल्स है आप लोगों के लिए. पहला एग्जाम्पल्स मैं ले रहा हूँ आप लोगों के लिए. मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 0.27 और यहाँ बार दिया हुआ है, रेकरिंग दिया हुआ है, इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू. तो ये कैसा नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है, जिसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख रहे हैं. क्या क्या करना है और कैसे करना है, इस बात को फोकस करेंगे और सीखने का कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जनरली सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं जो क्लास 9th पर बेस्ड है या क्लास 9 से रिलेटेड है. तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लेट एक्स इज इक्वल टू मान लेंगे 0.27 और इस पर रेकरिंग. 27 पर रेकरिंग होने का मतलब क्या है, 27 बार बार रिपीट करेगा. तो चूंकि दो नंबर पर, दो डिजिट्स पर क्या है, रेकरिंग है, इसको 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे. तो पहला काम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1/100, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1/100. ये करने पर हम लोगों को क्या मिल जाएगा, लेफ्ट साइड में क्या मिल रहा है, 100x, राइट साइड में क्या मिल रहा है, 27.27 पर रेकरिंग. अब इस एक्सप्रेशंस को आप कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए. इसको आप लिख सकते हैं 100x इज इक्वल टू, 100x इज इक्वल टू आप लिखेंगे 27 प्लस 0.27 रेकरिंग. हाँ या नहीं, अगर इसको ऐड कीजिएगा तो यू विल गेट द सेम नंबर. लेकिन हम लोगों के पास इसके लिए एक खास तरह का एक्सप्रेशन है, एंड दैट एक्सप्रेशन इज व्हाट, 100 फ्रॉम इक्वेशन 1. तो हम लोग इक्वेशन 1 को यूज़ करते हुए इसको रीराइट करेंगे. वी विल राइट व्हाट, 100x इज इक्वल टू 27 प्लस एक्स, कहाँ से, फ्रॉम 1. इक्वेशन 1 को यूज़ किया गया और क्या लिखा गया, 0.27 को इस फॉर्म में. अब x इधर चला जाएगा, तो व्हाट विल राइट, 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 27. सो सब्सट्रैक्शन के बाद आपको 99x मिल जाएगा इज इक्वल टू 27. Therefore, we will write x is equal to 27 divided by 99. अब देख लीजिए, एक ऐसा फ्रैक्शंस है जो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है अगर आप 9 से डिवाइड कीजिएगा. तो अगर 9 से डिवाइड कीजिएगा, 9 3 27, सो वी कैन राइट 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × 9 एंड देन 11 × 9, 9 कैंसिल, सो दिस इज 3/11. सो बेसिकली आपका कहना क्या है, या फिर यहाँ पर ये सवाल का क्या कहना है, 0.27 को जो रेकरिंग के फॉर्म में है, इसको आप 3/11 लिख सकते हैं. और ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है जो रैशनल नंबर है, इससे ये पता चलता है. सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ विल टेक सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड नंबर क्वेश्चन इज वॉट, आई एम चेंजिंग अवर ईयर. सेकेंड नंबर क्वेश्चन में इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, लिखते हैं 1.27 रेकरिंग. अगर आप ऐसा लिखेंगे तो आप देख लीजिए यहाँ पर क्या आ गया, 1 आ गया. अब आपको 27 को इधर लेकर के जाना है. तो देयरफॉर हियर अ चेंज इन द क्वेश्चन इज लाइक दिस, 1.27 रेकरिंग को हम क्या मान लिए, एक्स मान लिए. अब 27 पर रेकरिंग है, तो 27 को हम राइट साइड में ले, लेफ्ट साइड में ले जाएंगे बाय मल्टीप्लाइंग 100. अगेन सेम थिंग. सो ये नंबर क्या बन जाएगा, ये नंबर आ जाएगा 127.27 रेकरिंग. अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर से इस फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 126 प्लस 1.27 रेकरिंग. बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, इस नंबर को इससे सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं. तो क्या बच रहा है, 126,
और फिर से जो सब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसको ऐड कर दे रहे हैं ताकि हम इसके बदले में इसका इस्तेमाल कर सकें. सो लेटर ऑन आई विल राइट हियर, आई विल मेक चेंज 126 प्लस एक्स. ये कैसे? फ्रॉम वन. ये इक्वेशन नंबर वन अभी मेरे लिए है फ्रॉम वन. तो अब ये x इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 100 x माइनस x इज इक्वल टू 126. सो 99x इज इक्वल टू 126. सो x इज इक्वल टू व्हाट विल राइट, 126 डिवाइडेड बाई 99. 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 1 9, मतलब 3 से डिवाइड होगा. तो वी विल राइट व्हाट, 3 4 जे 12 एंड 3 2 जे 6 इंटू 3 एंड देन विल राइट 11 इंटू और 3 इंटू वी कैन राइट 3 3 जे 9 3 3 जे 9 एंड देन 3. क्या इसको लिख सकते हैं, 4 प्लस 2 6 और लिखा जा सकता है, मतलब इसको और ब्रेक कर सकते हैं आप, 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 3 इंटू 3 9 से 9 1 जे 9 एंड देन 9 4 जे 36 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 9. सो दिस विल कम, और 11 इंटू 9 सॉरी, तो ये 9 और 9 कैंसिल हो जा रहा है. अब आपको क्या मिल जा रहा है, अगर आप इस फ्रैक्शंस को, इस नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर को देखें, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर को देखेंगे तो विल राइट 1.27 रैकरिंग इज इक्वल टू 14 बाई 11. डिवाइड करके देख सकते हैं, सेम वैल्यू आ जाएगा आपका, 11 वन जे 11 देन अगेन 3 बाई 11. पिछला वाला क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा. अगेन वी हैव वन मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द सेम पैटर्न, बट दिस टाइम देर इज स्लाइट चेंज इन दिस क्वेश्चन इन डिफरेंट फॉर्म. दिस इज वॉट 0.235 और 35 पर रैकरिंग. ये तीसरा क्वेश्चन है जिसमें आप देख रहे हैं कि नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिखते हैं. इस पर्टिकुलर को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, फिर से हम लोग एक्स मान लेंगे. तो हियर 0.23535 पर रैकरिंग. सबसे पहला इसमें काम क्या करना है, इसमें इस पार्ट को ध्यान दीजिए, ये डेसिमल के राइट साइड में है और इस पर रैकरिंग नहीं है. सबसे पहले हम लोग को इसको हटाना पड़ेगा. इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन के दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 को हम लेफ्ट साइड ले जाना चाहते हैं. तो क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू 2.35 रैकरिंग. और फिर से उसी मेथड को फॉलो करेंगे जो पिछले क्वेश्चन से फॉलो किया गया था. अगेन दिस इज इक्वेशन नंबर वन, दिस इज इक्वेशन नंबर वन सपोज एंड दिस इज टू. नाउ व्हाट विल डू, विल मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2 बाई 100. इस बार 100 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, ये 1000x इज इक्वल टू 235.35 पर रैकरिंग. इसको आप कैसे लिखने वाले हैं, ध्यान से देखिए. इसको लिखेंगे 100x से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ जाएगा, 1000. सो दिस इज 1000x इज इक्वल टू, इसको आप कैसे लिखेंगे, 233 प्लस 2.35 रैकरिंग. अंडरस्टूड, इस नंबर को इसमें सब्स्ट्रैक्ट कर दिया गया. 235 में 2.35 सब्स्ट्रैक्ट करेंगे क्या मिल जाएगा, 233. और अगेन फिर वी विल ऐड, तो 2.35 को यहाँ ऐड कर दिया गया. अब आप क्या लिख सकते हैं इसको, 1000x इज इक्वल टू 233 प्लस, इसके बदले में क्या यूज़ करेंगे, 10x. कहाँ से, फ्रॉम 2. नाउ 10x विल गो टू दैट साइड. तो 1000x माइनस 10x इज इक्वल टू 233. अब कितना आ जाएगा, 099 x इज इक्वल टू 233. तो देयरफॉर विल राइट x इज इक्वल टू 233 डिवाइडेड बाई 990. ये नेचर देख लीजिए, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8, 8 इज नॉट डिविजल बाई 3 एंड दिस इज ऑल्सो नॉट डिविजल बाई 3. 9 टू जो 18, ये डिविजिबल है लेकिन ये डिविजिबल नहीं है, तो इसी फॉर्म में रह जाएगा. दैट इम्प्लाइज आप लिख सकते हैं 0.3535 पर रैकरिंग इज इक्वल टू 233 डिवाइडेड बाई
9990। इसी तरह से अनेकों प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। और ये बेसिकली आप क्या सीख रहे हैं, एक्सप्रेसिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर सीखेंगे और नंबर लाइन। तब तक के लिए थैंक यू।